लद्दाख में एलएसी के पास चीन की एक और नई चाल सामने आई है। चीन ने अपने बेस में T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत बहुत कम है। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैंक वाली टक्कर शुरू हो गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक दस्ते तैनात हो रहे हैं। अमेरिका और भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की सुनियोजित चालबाजी का पता चलता है। चीन अपनी सीमा में खास तरीके से बनाए गए टैंक तैनात कर रहा है। इस टैंक का नाम है T-15 नैनो टैंक। अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि T-15 नैनो टैंक की एलएसी के आसपास तैनाती क्यों की गई है। दरअसल चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला उसका ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन चीन का ये दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं, उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब चीज जो चीज हैं, वो T-15 के बहुत आगे हैं। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। यहाँ दोनों चीन के T-15 नैनो टैंक और भारत के T-90 टैंक की ताकत को भी परखना जरूरी है। T-15 टैंक का वजन 30 टन है, जबकि T-90 टैंक का 48 टन वजन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर है, और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है। जबकि T-90 टैंक एक मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक LAC के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है।